21 जून विश्व योग दिवस। तो दोस्तों हम लोग अभी बात करेंगे विश्व योग दिवस के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड योगा डे या तो फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इसी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ जो 2024 है यानी इस वर्ष का जो थीम किया है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पर देखेंगे और बात करेंगे। तो इसका जो है इतिहास किया है, साथ साथ इसके बारे में जो थोड़ी मोड़ी जानकारी है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए बात करते हैं। लोगों को योग के बारे में बताना, इसके महत्व को समझाने और योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल पूरे विश्व में विश्व योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों योग क्या है इसके बारे में लोगों को बताना है, अवेयरनेस फैलाना है, साथ साथ इसका जो महत्व क्या है इम्पोर्टेंट, और लोगों में योग के प्रति जागरूक किस प्रकार से करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही योग दिवस जो है पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2015 से मनाया जा रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि इसको जो है 2015 से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है यह इस बार 10th एडिशन यानी कि 10वां संस्करण मनाया जा रहा है इसका। तो 2015 से मनाया जा रहा है। इसके पीछे की जो कहानी क्या है, तो कहानी यह है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में इसका प्रस्ताव यूएनओ में रखा गया था। तो यूएनओ में 2014 में रखा गया था जो कि पास हो गया, और उसके बाद में 2015 से यह पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। दोस्तों यह जो है 21 जून को क्यों मनाया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 21 जून में मनाते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो है वह 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसी कारण से इस दिन को ही विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए रखा गया। तो हम लोग जानेंगे कि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो यह इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं थीम के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। तो 2024 का जो थीम क्या है वह देखते हैं। तो 2024 का जो थीम है वह है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। तो यह है इस वर्ष का थीम हिंदी में, और यह इंग्लिश में योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। दोस्तों योग कीजिए अपने लिए और साथ साथ में सोसाइटी के लिए। अगर आप लोग अपना स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं या तो स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो योग कीजिए, अपने लिए योग कीजिए। जैसे आप लोग अपने अपने लिए हमेशा सब कोई योग करेंगे तो उसे क्या होगा, तो उससे समाज भी ठीक होता जाएगा। तो इसी कारण से इस वर्ष का जो थीम को रखा गया है कि अपने लिए पहले तो योग करें जिससे आप स्वस्थ रहें, ठीक रहें, और फिर जैसे हम लोग सब कोई ठीक रहेंगे तो पूरा समाज भी ठीक रहेगा। तो इसी कारण से इस वर्ष का जो थीम को रखा गया है वह रखा गया है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं पिछले वर्ष का थीम क्या था। तो पिछले वर्ष 2023 का जो थीम था वह था वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो ये था पिछले वर्ष का थीम, लेकिन इस वर्ष का जो थीम है उसी को हम लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जो है विश्व योगा दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, और यह 2015 से मनाया जा रहा है। साथ साथ यह इस बार इसका 10वां संस्करण है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और इस वर्ष का जो थीम है वह यहाँ पर आप लोग याद कर लेंगे।